हेलो एवरीवन, मैं हूँ अतिन रंधावा और अभी जो आप देख रहे हो वो हैं स्क्रैचेस जो कि गलती से मेरे से लग गए थे गाड़ी जब मैं वॉश कर रहा था। तो यहाँ पे ना मेरे पास कपड़ा था एक, उस पर मेटल का कुछ बना हुआ था और जिसके कारण कि जब मैंने इस पर रब किया तो वो स्क्रैचेस पड़ गए। तो अभी एक प्रोडक्ट लेके आया था मैं जिससे स्क्रैच बोला तो है अमेज़न पे, मतलब रिव्यू था कि अच्छा रिव्यूज़ थे तो मैं लेके आया हूँ। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अगर स्क्रैचेस हट जाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा वीडियो के लास्ट में, अगर स्क्रैचेस नहीं हटेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि एक प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए या वेस्ट ऑफ मनी है। तो ये शिबा का है, 100 रुपये का था ये शिबा प्रोफेशनल स्क्रैच रिमूवर, आप देख सकते हो। और साथ में इसके ये मिला था स्पंज था जिससे लगा के देख सकते हैं। तो मैंने ये एक गाड़ी में लगा के भी देखा था और साथ में ये मंगवाया मैंने मोटोमैक्स का ये पॉलिश, मतलब ये तो खुद ही लेके आया था, 35 रुपीज़ के आसपास की ही मिल गई थी। तो जब ये रबिंग करूँगा उसके बाद इसको भी लगा लूँगा ताकि वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहे एरिया। अब रबिंग करने के लिए ना मैंने साथ में ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी लिया है, ये जो स्पेक्स होती है ना उसमें से निकलता है, जैसे लेंस कार्ट का है ये, तो उसमें से निकला। तो वैसे तो मेरे पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ था नहीं, तो इसी को यूज़ करेंगे हम इसको रबिंग करने के लिए। अप्लाई हम इसके साथ करेंगे स्पंज के साथ और फिर इसके साथ रबिंग करेंगे। तो पहले जो मैं थोड़े से एक छोटे एरिए पे लगा के देखूंगा, इस साइड पे छोड़ के इस एरिए पे पहले करके देखते हैं जिससे कि थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, बोतल पे लिखा था शेक वेल बिफोर यूज़, जैसे दवाइयों पे होता है। ओके, तो शेक हो गया और अभी इसको अप्लाई कर लेते हैं। अभी छोटे से एरिए पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर थोड़ा कुछ इसके निशान पड़ेंगे तो वो मेरे को पहले पता लग जाएगा। यार बड़े अच्छे से काम कर रहा है ये तो। ओके, एक ना पतली सी लेयर बन जा रही है इसके ऊपर ना, उसके बाद शायद कपड़े से रबिंग करनी है। बहुत एक थिन सी लेयर बन गई है। स्क्रैचेस थोड़े बहुत तो रिमूव हुए हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी शायद से। तो अभी आपको ये पूरा एरिया दिखा देता हूँ ये किस तरह का दिख रहा है, तो आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर का पता चल जाएगा। ये देखो, ये अभी इस एरिया पे रबिंग किया, ये थोड़े से लाइट हो गए हैं, अभी ज़रा से ही किया, ये पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया, लेकिन अभी थोड़ा और ज़ोर से करूँगा तो शायद अच्छे से हो जाए। तो ये देख लो, आपको कुछ इस तरह से है। अब मैं पहले कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ सारा। अब इसको यूज़ करने से पहले ना मैंने गाड़ी अच्छी तरह वॉश की हुई थी तो सुखा ली थी, मतलब सुबह वॉश की थी तो सूख गई हुई थी। अभी इसको अप्लाई कर रहा था तो गंदी गाड़ी पे इसको अप्लाई नहीं करना, ये भी लिखा हुआ है और साथ में ये भी लिखा है कि गीली गाड़ी पे भी नहीं करना, सूखी होनी चाहिए और डायरेक्ट सनलाइट के अंडर भी नहीं होनी चाहिए। इससे धूप दूसरी साइड से आ रही है तो मैं इस साइड पर काम कर रहा हूँ। तो ये आप अभी देख सकते हो, कुछ आपको अंदाज़ा लग रहा होगा पहले ये कितने डीप दिखाई दे रहे थे, अभी एक ही बार करने से बहुत ज़्यादा लाइट हो गए हैं। आगे जो ये देखो, ये डीप वाले हैं, यहाँ पे अभी रबिंग नहीं की मैंने, जस्ट अभी साफ़ कर दिया थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और ये पीछे कुछ इस तरह से। अभी शायद एक एप्लीकेशन मेरे को और करनी पड़ेगी, दूसरे एप्लीकेशन के बाद देखते हैं ये बिल्कुल तरह पूरी तरह से चले जाते हैं या नहीं। पूरे एरिए में सिंगल एप्लीकेशन कर दी है मैंने और आप देख सकते हो कुछ इस तरह। अब ये जो है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत डीप ग्रूव है, यहाँ पे डेंट भी है, ये गाड़ी पता नहीं कहीं लगी हुई है, मेरे से लगी थी एक स्कूटी पे शायद उस टाइम का है, तो ये तो नहीं गया, इस पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो कपड़े से हुआ था, जो ओपरा ओपरा मतलब ऊपर ऊपर की एक लेयर पतली सी गई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा असर दिख रहा सिंगल एप्लीकेशन के बाद ही। और ऐसा नहीं है कि आपको बस हल्के हाथ से करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा जोर लगा के करना पड़ता है, उसके बाद जो है ये चले जाते हैं। अब जो असली रिज़ल्ट आएगा वो जब इसको एक बार वॉश करेंगे उसके बाद देखना है कि ये सिर्फ फिलिंग करता है उस गैप की या एक्चुअल में उसको हील करता है, तो उसका तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सिंगल एप्लीकेशन के बाद ऐसा है। और मैं एक और एप्लीकेशन अभी कर देता हूँ और
वो सेकंड एप्लीकेशन के बाद आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो सेकंड कोट करने के बाद कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। अब ये जो डीप ग्रूव्स हैं जो पहले के जो बिल्कुल ही पेंट जहाँ पे ख़त्म हो गया वहाँ पे तो उसने कुछ असर नहीं किया, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो, आप खुद से देखो पहले जो दिख रहा था और अभी जो दिख रहा है उसमें जैस क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। तो अब दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो अगर आप ये यूज़ करने वाले हो, ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाए आपको। सबसे पहले तो गाड़ी अच्छे से वॉश कर लेना, मतलब मिट्टी वगैरह ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, एरिया जो है ड्राई होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है गिले गिले में आपने साफ़ किया और अभी से यूज़ करना शुरू कर दो तब भी कुछ असर नहीं होगा। तीसरी बात ये कि सनलाइट के अंडर नहीं करना। चौथी बात ये, इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो थोड़ी थोड़ी जगह पे करो, मतलब थोड़े से एरिया पे अप्लाई करो, मतलब इतना सा पैच पे अप्लाई करो, फिर उसको अच्छे से रब करो, मतलब कुछ आप 2-3 मिनट तक उसको रब करो। पहले क्या होता है, सबसे पहले जब आप लगाओगे ना तो एक मोटी मोटी लेयर बनती है, लेकिन उसको रब करते 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 वो लेयर गायब हो जाती है। गायब होने के बाद भी आपको रब करते रहना करते रहना करते रहना, दोबारा से एक हल्की सी एक और लेयर आती है, दोबारा से आती है वो, और वो लेयर जो है वो मेन काम करती है। उसको जब वो आ जाती है तो उसको रब करते रहना करते रहना करते रहना, 1-2 मिनट के लिए एटलीस्ट एक एरिया को रब करोगे, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात ये, ऐसा मत करना कि बहुत ज़्यादा एरिया में आप लगा के रख दो, बाद में रब करना शुरू करो कि ऐसे अप्लाई कर दिया और रब बाद में, जैसे मैंने शुरू में करना के ट्राई की थी, उससे क्या होता है ये ड्राई हो जाता है, जो भी ये कंपाउंड है ना वो ड्राई हो जाएगा और फिर वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जैसे उसको करना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स थे, बाकी अभी मैं वैक्स भी करके देख लेता हूँ। वैक्स करने के बाद के रिजल्ट देखने तो भी 2-4 सेकंड्स तो रुक जाओ, और नहीं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अभी वैक्सिंग करने के बाद, मतलब वैक्स लगा दिए मैंने, उसके बाद कुछ ऐसे रिजल्ट हैं और बिल्कुल साफ़ हो गया एरिया। पहले क्या था, पहले जैसे इतनी दूर से भी देख रहे थे ना तो वो निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, अभी बिल्कुल जब पास जाके देख रहे हैं ना कि बहुत ही ध्यान से, तब पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे स्क्रैचेस थे, लेकिन वो भी बड़े ध्यान से देखने के बाद। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल आई से देखें तो वो स्क्रैचेस का पता भी नहीं चल रहा, मतलब जो बाहर बाहर के थे, जो डीप चले गए हैं जो पेंट तक चले गए हैं उनका तो इलाज नहीं है। तो बस इतना ही है कि अगर आपकी गाड़ी पे ऊपर ऊपर से मार्क्स लगे हैं, मतलब जो कपड़े से लग जाते हैं या मिट्टी वगैरह से लग जाते हैं, तो वो तो चले जाएंगे, और अगर डीप है कोई स्क्रैच लंबा अंदर तक चला गया पेंट के लेयर तक, या फिर कोई डेंट वगैरह के कारण है, तो वो इससे ठीक नहीं होगा। और 100 रुपये के हिसाब से मेरे को लगा कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मशीन हो ना दूसरी रबिंग वाली तो उससे काम और इजी हो जाएगा और भी ज़्यादा अच्छे से होगा। और मेरे को लगता है जितने निशान अभी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं वो भी बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, मतलब जो ध्यान से देखने पर दिख रहे हैं वो भी बिल्कुल हट जाएंगे अगर मशीन होती तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।